एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंक्लूडेड चैप्टर्स हैं। इस बार सीबीएसई ने 3 चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब कि कट कर दिया है हमारे सिविक्स के पोर्शन से जो 5 चैप्टर्स हैं, और उनमें से जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिन्हें सीबीएसई पूछता ही पूछता है हर साल, उन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ लेके आया हुआ हूँ। पहले चैप्टर पावर शेयरिंग से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेंशन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्कस करना है, उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो इसके आंसर पे चलते हैं हम। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी आर, पहला है हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का एग्जाम्पल क्या है? हमारे भारत में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर, इसका एग्जाम्पल हम अपने इंडिया से ही लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर होता है, यही बेस्ट एग्जाम्पल है हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर का। तीसरा, डिवीजन ऑफ पावर एमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में डिवीजन ऑफ पावर का एग्जाम्पल देना है हमें, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जब बेल्जियम ने एकोमोडेटिव एक्सपीरियंस किया था, तो उस समय हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था बेल्जियम में, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चौथा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट्स, तो इसका एग्जाम्पल आप अपने इंडिया से ही ले सकते हो। हमारे इंडिया में कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने पावर का मिसयूज़ करने से रोकते हैं। आप अपने से कोई भी एग्जाम्पल एक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सप्लेन अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स द एकोमोडेटिव एक्सपीरियंस ऑफ बेल्जियम फॉर पीस एंड हारमोनी। आपको बेल्जियम का जो एकोमोडेटिव एक्सपीरियंस था पीस और हारमोनी के लिए, उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्या है हमारा, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। बेल्जियम में क्या हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़्यादातर पावर थे वो स्टेट गवर्नमेंट को पास आउट कर दिए गए थे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिए गए थे। दूसरा, बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स गॉट इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पर क्या हुआ था बेल्जियम में, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स दोनों की संख्या इक्वल हो गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तीसरा, न्यू गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बेल्जियम कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे बेल्जियम में नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विथ एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब आपको इंडिया के डेमोक्रेसी से लेके हमें क्या करना है, पावर शेयरिंग का एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन बताना है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। ये अलग तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यहां पर हमें प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकपूर्ण कारण, ठीक है। तो इसका सबसे प्रूडेंशियल रीजन ये बनता है कि ये इट लीड्स टू एन अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, ये जो सोशल ग्रुप के बीच में टकरार नहीं होने देता है। इसका मोरल रीजन क्या है हमारे पावर शेयरिंग का, इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है ना कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ द डेमोक्रेसी, इस आइडियोलॉजी को ये पकड़ के रखता है, ठीक है, ये हमारी पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, ये आपको मिल सकता है। देखो क्या हुआ था कि हमारे इस नए वाले पेपर में कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये भी सेंटेंस रॉन्ग दिया गया है कि इन श्रीलंका एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज तमिल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग सिन्हाला। मतलब श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ था 1956 में, जिसके तहत तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और सिन्हाला को डिसरिगार्ड कर दिया गया था। तो ये तो रॉन्ग है, करेक्ट क्या था, श्रीलंका में 1956 में जो एक्ट पास हुआ था उसके तहत क्या था कि सिन्हाला को रिकॉग्नाइज किया गया था ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया था। तो आपको क्या करना है, बस उल्टा कर देना है, जहां पर ये तमिल लिखा है वहां पर सिन्हाला लिख देना, जहां पर सिन्हाला लिखा है वहां पर आप तमिल लिख देना। चलो चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म देख लेते हैं। देखो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिट्स में, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। मतलब किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में पावर पूरी नहीं रहती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग कौन बुलाता है या कौन प्रिसाइड करता है, तो इसका आंसर है हमारा मेयर। क्वेश्चन नंबर 2, विच गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूरी
सब्जेक्ट्स इन इंडिया। अब कौन से गवर्नमेंट को पावर होता है कि वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स देखता है। अब देखो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में छूट गए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते टाइम नहीं रखे गए थे उसमें, अब आए हैं। जैसे कि साइबर लॉ, इंटरनेट का इन्वेंशन हमारा अभी हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुका उसके बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा साइबर लॉ नहीं रखा गया है, तो ये एक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, छूटा हुआ अवशेष है, ठीक है। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट को कौन देखता है इंडिया में, तो वो है हमारा यूनियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट आप जानते ही हो कौन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी थ्री फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय फेडरलिज्म की कोई तीन फीचर आपको एक्सप्लेन करने हैं। चलिए, द थ्री फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म आर, पहला क्या है, इंडियन फेडरलिज्म इज अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द थ्री लिस्ट। जो भारतीय फेडरलिज्म है वो थ्री फोल्ड, तिगुना डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, तीन लिस्ट के आधार पर। तीन लिस्ट कौन कौन से हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। दूसरा फीचर क्या है हमारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हमारा अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सॉल्व करेंगे, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या है फीचर, कि सेंटर को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स रखा गया है, मतलब कि जो पूरा पावर होल्डिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर होता है। तो यही तीन हमारे फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, इंडियन फेडरलिज्म के। चलो क्वेश्चन नंबर फोर, मेंशन द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जिसमें पावर डिवाइड होती है, यूनिटरी वन मतलब जहां पर पावर एक हाथों में रहती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि इन अ फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर विद द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि डिफरेंट गवर्नमेंट के यूनिट्स में पावर डिवाइड होती है, व्हाइल इन द यूनिटरी गवर्नमेंट, लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें ऑल द पावर इज एक्सरसाइज बाई ओनली वन गवर्नमेंट, केवल एक गवर्नमेंट के हाथ में रहती है यूनिटरी गवर्नमेंट में। ठीक है, चलो चैप्टर थ्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं जनरल रीजन एंड कास्ट चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, गिव अ रीजन वाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया पार्लियामेंट इज स्टिल लो एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले भारतीय पार्लियामेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है, तो इसका एक रीजन है, द रीजन इज द लैक ऑफ लीगली इम्पोज्ड कोटा और रिजर्वेशन पॉलिसी एट द सेंट्रल लेवल। जो सेंट्रल लेवल पर वुमेन्स की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो फिक्स्ड नहीं है। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दूँ कि इंडियन पार्लियामेंट में हमारे यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब मतलब कि इंडियन पार्लियामेंट की अगर बात आती है, तो वहाँ पर हमारे वुमेन्स की सीट फिक्स नहीं है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पर 1/3 सीट वुमेन्स के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों वुमेन को, वुमेन कम रिप्रेजेंट करती हैं पार्लियामेंट में, चलो यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, व्हाट इज द रीजन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्यों किसी धर्म को मतलब अपनाना, प्रैक्टिस करना, इन सब चीज़ों के लिए क्यों लोग फ्री हैं, मतलब कि यहाँ पर अपने धर्म को अपनाने और फॉलो करने से कोई भी रोक टोक नहीं है। तो इसका केवल एकमात्र कारण है क्योंकि बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच ह्यूमन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और डिसएडवांटेज इन इंडिया। भारत में औरतों को, वुमेन्स को किस आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन बेसिस को लिखना है आपको। चलो तो द डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर, पहला क्या है हमारा, हमारे कुछ नंबर ऑफ सोसाइटी की जो गर्ल्स हैं वो अब भी हायर स्टडीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है उन्हें, कि वो बाहर जाके पढ़ सके या और हायर एजुकेशन ले सकें। बी, गर्ल्स आर नॉट गिवन जॉब्स दैट आर हाईली पेड आर वैल्यूड। गर्ल्स को वो जॉब्स नहीं दी जाती जो बहुत ज़्यादा पेड है या जिनमें बहुत ज़्यादा, ऐसे कह सकते हो कि जो मेंस करते हैं, जो हाई प्रोफाइल की जो जॉब्स होती हैं वो गर्ल्स को नहीं दी जाती है। ऐसा अब तो बहुत कम रह गया है लेकिन फिर भी है। पॉइंट नंबर थ्री, मैन एंड वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी फॉर द सेम जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैलरी, सेम जॉब के लिए वुमेन और मेन की जो सैलरी होती है वो अलग होती है। जैसे हम अगर अपनी क्रिकेट की ही बात कर लें तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स को उतनी सैलरी पे नहीं की जाती है जितने मेन क्रिकेटर्स को, तो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो यही होता है। डी, इफ द मदर कम्स टू नो, हमारा जो अगर
माँ को पता चलता है कि दैट शी इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड, अगर वो किसी गर्ल चाइल्ड को पैदा करने वाली है या बर्थ देने वाली है, तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इन चारों बेसिस पर हमारे यहाँ विमेंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन टू रीजन, हमें कोई दो रीज़न बताना है कि क्यों केवल और केवल कास्ट इलेक्शन के रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं करता, मतलब कि केवल और केवल जातिगत वोट के आधार पर हम इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसका रीज़न बताना है क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। पहला रीज़न है कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, मतलब कि कहीं से भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी एक जात का पूरा वोट नहीं मिल सकता, किसी एक कास्ट का किसी एक रिलीजन का पूरा आपको वोट वहां पर नहीं मिल सकता है। दूसरा रीजन क्या है कि नो पार्टी गेट्स ऑल द वोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, मैंने वही कहा कि जैसे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं और वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करते हैं, वैसे ही ये जरूरी तो नहीं है ना कि किसी अगर हम ब्राह्मण की बात करें या अगर हम ठाकुरों की बात करें तो अगर ऐसा फिक्स तो नहीं है कि सारे ब्राह्मण किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हैं कि केवल उन्हीं को वोट देना है, या केवल जो ठाकुरों की बात हुई कि केवल वो तो नहीं है ऐसा कि केवल उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। तो ये दो रीजंस थे हमारे जो जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा कास्ट डिटरमाइन नहीं करता इलेक्शन रिजल्ट को। चलो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 4 तो ये नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर आप देख लो, चैप्टर नंबर को मत देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, भारत में पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं। तो पहला रोल है हमारा कि पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रन देम, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं और उन्हें चलाती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन करवाती हैं और अगर जीतती हैं तो वो क्या करेंगी, मतलब कि गवर्नमेंट में आएंगी, मतलब अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगी, और अगर वो हारती हैं तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हारती हैं, हु लोज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, वो अपोजिशन पार्टी का काम करती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हमारे 3 रोल थे पॉलिटिकल पार्टीज के। अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग आंसर में आता है तो आप और भी रोल जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी प्ले करती है आप इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके लिख सकते हो। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि मेंशन द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर, पहला क्या है, द पार्टीज आर लैकिंग इंटरनल डेमोक्रेसी विच कीप्स मेनी प्रोस्पेक्टिव लीडर्स डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हीं को केवल हक होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने का, मतलब डिसीजन केवल उनके हाथों में रहता है, जो छोटे छोटे नेता हैं उस पार्टी के तो वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसी की वजह से हमारा इंटरनल डेमोक्रेसी के लैकनेस की वजह से चैलेंज कभी कभी फेस करना पड़ता है। दूसरा क्या है, देयर हैव बीन डायनेस्टिक सक्सेशन इन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, दिस ऑफन डिप्राइव्स द पार्टीज ऑफ एप्रोप्रिएट लीडरशिप। ये हमने अपने भारत में भी देखा है कि कई क्या होते हैं कि अगर किसी के फादर ने कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया तो उनके बेटे फिर उनके ग्रैंडसन उन पॉलिटिकल पार्टीज को चला रहे हैं, किसी और को मौका नहीं देते हैं। चलिए सी हमारा क्या है कि पार्टी समथिंग इंडल्ज इन द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर फॉर विनिंग इलेक्शंस। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो पैसे और भी दूसरी चीजों का मदद लेती हैं ताकि वो मतलब कि सत्ता में आ सके, मतलब कि वो अपने पैसे और भी जो अपने पावर का गलत यूज करती हैं। चलो डी क्या है कि देर आर नॉट मेनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज बिटवीन द वेरियस पार्टीज सो देर इज अ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस बिफोर द वोटर्स। अब इसमें क्या है, अब हमारी सारे पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी जो क्या है वो सेम है, मतलब कि सभी लोग एक ही वादे करते हैं, इसलिए वोटर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बीजेपी हो गया हमारा कांग्रेस हो गया, तो ये होता क्या है ये देख लो। पॉलिटिकल पार्टी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, मतलब किसी एक आइडियोलॉजी पर काम
करते हैं उनका ये क्या होता है, आप एक तरीके से कह सकते हो नारा होता है, इनकी एक सोच होती है कि इसी सोच में इन्हें आगे बढ़ना है। दे कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये इलेक्शन करवाते हैं और अगर जीतते हैं तो गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी यही होती है, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर, क्या क्या कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन एंड शेयर पावर, वो इलेक्शन करवा सकती है और अपने पावर को शेयर कर सकती है, जैसे किन किन चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और भी अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो दूसरे भी जिससे गठबंधन किया गया है वहाँ पर शेयर होता है पावर का। बी, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स, अब इनके ये क्या करते हैं, कुछ वादे करते हैं और जिससे क्या कर सकें, ये सोसाइटी में डेवलपमेंट करवा सकें, ये वादे करते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक फीचर होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज अनेबल टू विन अ मेजॉरिटी इट मेक्स एन एलियंस, सबसे बड़ा आपका मुद्दा ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, मतलब पूरे वोट उसे नहीं मिलते हैं, तो वो एलियंस बनाती, मतलब गठबंधन का सरकार बनाती है और क्या करती है, दूसरे पार्टीज के साथ मिलकर एलिएशन कर लेती है, मतलब कि एलियंस कर लेती है, ठीक है, गठबंधन कर लेती है। डी, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू परस्यूड पीपल दैट देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो लोगों को ये भरोसा दिलाती हैं कि उनकी जो पॉलिसी है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से अलग है। तो ये हमारे 4 फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पॉलिटिकल पार्टी के रखे हैं, पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, चैप्टर नंबर 7, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला क्वेश्चन है कि मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, आपको सोशल डेमोक्रेसी का कोई एक उदाहरण देना है। अब देखो, सोशल डेमोक्रेसी का उदाहरण सबसे बड़ा हमारे इंडिया है। देखो, द एग्जांपल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के सम्मान, बेसिक नीड्स के बारे में बात की जाए तो उसको सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। आप देखो, इसको एक अच्छे तरीके से समझ सकते हो, हमारे इंडिया भी एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर हमें फ्री एजुकेशन, गुड सोशल वेलफेयर और फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो पूरा फ्री है या पार्शियली फ्री होता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हमारी सोशल डेमोक्रेसी। चलो, तो ये एग्जांपल है हमारा, द एग्जांपल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। आगे क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द स्टेटमेंट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, इस स्टेटमेंट को जांचिए कि डेमोक्रेसी जो होती है हमारी डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पे बेस होती है। डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अच्छी तरह से जांच करना या सोचना, ठीक है, टू कंसीडर अबाउट, ऐसे कह सकते हैं हम। नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता करना, हम नेगोशिएशन करते हैं ना, कम करते हैं प्राइस को, नेगोशिएट करते हैं, तो बस वही है। डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पर डेमोक्रेसी बेस है, इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है। चलो, तो डेमोक्रेसी हमारा क्या है, मेक श्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, डेमोक्रेसी हमारी ये निश्चित करती है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो रूल पर आधारित होगा, नॉर्म्स पर आधारित होगा और एक स्टेप में चलेगा, प्रोसीजर में चलेगा। बी, डेमोक्रेसी फॉलोज प्रोसीजर्स एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल, डेमोक्रेसी जो होती है एक स्टेप को फॉलो करती है और लोगों के प्रति इसका उत्तरदायित्व होता है। तीसरा, डेमोक्रेसी गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू डेलिब्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन, जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेलिब्रेशन मतलब सोचना, किसी भी पॉइंट को लेकर हमारे यहाँ पर अगर अगल बगल कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उन चीज़ों को कंसिडर करना, उन चीज़ों को भी साथ में लेके चलना और पब्लिक ओपिनियन को लेके चलना, यही हमारा डेमोक्रेसी बेस है, मतलब डेमोक्रेसी इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द स्टेटमेंट रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इस स्टेटमेंट को जांचिए कि औरतों की जो रिस्पेक्ट होती है और इक्वल ट्रीटमेंट है वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, मतलब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबसे ज़रूरी हिस्सा है वुमेन का रिस्पेक्ट, इस बात को एग्जामिन करिए। चलिए, तो हम क्या करते हैं इसमें, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक्सेस टू एन इनहेरिटेड और सेल्फ जनरेटेड इनकम इज कंसीडर्ड टू बी द मेजर मीन्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, हम वुमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछा है कि हम किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक
औरत की जो रिस्पेक्ट होती है उसको नेसेसरी इंग्रेडिएंट क्यों माना जाता है, और कैसे हम वीमेंस को एम्पावर कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि अगर हम उनको जो स्वयं की रोजगार होती है, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है, मतलब कि वो खुद कमाएं और खुद पर डिपेंड रहें, इस तरीके से हम वीमेन को एम्पावर कर सकते हैं। बी, इक्वल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एज मेन, उन्हें मेन के कंपैरिजन में इक्वल पॉलिटिकल और जो सिविल राइट्स जो मेन को दिए गए हैं वो वीमेन्स को भी देने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज, मतलब कि वीमेन और मेन के लिए जो जस्टिस की वो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे इनइक्वलिटी की फीलिंग क्रिएट ना हो। चौथा, रिमूविंग सोशल इविल्स इंक्लूडिंग वायलेंस, टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन एक्सेट्रा, जो औरतों के प्रति हमारे आए दिन वायलेंस होते हैं, टॉर्चर किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, इन चीज़ों को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी एक औरत एक विमेन को रिस्पेक्ट मिल सकती है सोसाइटी में। चौथा, मेंशन द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, उन कंडीशंस को मेंशन करिए जिन कंडीशंस पर हमारी सोशल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया जाता है, मतलब कि ऐसे कह सकते हो एडजस्ट किया जाता है, किस आधार पर हमारी सामाजिक विभिन्नताओं को रखा जाता है, एकोमोडेट किया जाता है, इसी को आपको बताना है। आंसर क्या है इसका, सोशल डाइवर्सिटीज़ आर एकोमोडेटेड व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड। सोशल डाइवर्सिटीज़ जो सामाजिक विभिन्नता है वो एकोमोडेट तभी किया जा सकता है जब ये बात समझी जा सके कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट फॉर द रूल ऑफ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी केवल जो मेजॉरिटी जो सेक्शन है सोसाइटी की, केवल उनके लिए नहीं है या किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, ये बात को समझना ही सोशल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करेगा। बी, एक डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये समझना कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, मतलब किसी भी बहुसंख्यक लोगों के ओपिनियन को ध्यान में रखकर डेमोक्रेसी में बात नहीं होती, डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं इंक्लूड की जाती है, बल्कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिलकर फंक्शन करना पड़ता है, और क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कैन फंक्शन एंड रिप्रेजेंट द ओपिनियन ऑफ कॉमन पीपल। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के ओपिनियन को गवर्नमेंट सुनती है, फिर वो अपना फंक्शन करती है। तो ये होल हमारा सिविक्स कवर हुआ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने आपको बता दिए, होप आप कवर करोगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।